Yes. Hello everyone. A very good morning to all. Tony voice. Yes, is everything fine? Audio, video. Okay. Yes, a very good morning to all. Kase sab hope you're all fine. सो so, दोबारा से आज फिर एक नया सेशन आप सबके लिए पेपर वन के प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल सेम टू यू टू ऑल सो फटाफट से एक बार लाइक एंड शेयर कर दो सेशन को ताकि काफी सारे लर्नर्स हमारे साथ जुड़ पाए सो so, बात करेंगे पेपर वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन की ब्रिंग योर पेन एंड पेपर इन योर हैंड यस इज एवरीथिंग फाइन ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना एक बार थम्स अप दे दो प्लीज सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे दिस इज इन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी सी आर टी स्टैंड फॉर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में सी आर टी का मतलब दैट मीन सी आर टी की फुल फॉर्म आपको बतानी है आई सी टी यस सेम टू यू टू ऑल सेम टू यू आप में से भी बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होंगे जो यहाँ पर तो लर्नर्स है बट इन फैक्ट दे आर टीचर्स एट समेयर एल्स सो हैपी टीचर्स डे टू ऑल एंड सेम टू यू ऑल फटाफट से सही जवाब कैथॉड रे ट्रांसमिशन कंप्यूटर रे ट्रांसमिशन कैथोड रे ट्यूब एंड कैथॉड रे ट्रांसर टीचर्स डे वाले दिन पढ़ाई छोड़नी नहीं है पढ़ाई और ज्यादा करनी है करेक्ट आंसर इज कैथोड रे ट्यूब तो थर्ड तो वाला है ये इसका सही जवाब है कैथोड रे ट्यूब असल में ये जो कैथोड रे ट्यूब है ये एक टेक्नोलॉजी है जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर मोनिटर्स में यूज की जाती है ट्रेडिशनल कंप्यूटर मोनिटर्स एंड टेलीविजन में ये कैथोड रे ट्यूब की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है डिस्प्ले करने के लिए अगला क्वेश्चन देखिए ये भी आईसीटी का ही क्वेश्चन है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज ए प्राइमरी मेमोरी बाहरी हार्ड डिस्क एक प्राथमिक मेमोरी है ठीक है एंड इन जनरल पेन ड्राइव्स हैव मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स कहता है सामान्य तौर पर पेन ड्राइव में बाहरी हार्ड डिस्क की तुलना में अधिक भंडारण क्षमता होती है सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट गुड मॉर्निंग मुस्कान जी ट सेम टू यू थैंक यू यस इसका सही जवाब फटाफट पत से बताइए आई सी टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू डी सी डी अच्छा सही जवाब है इसका सेकंड क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं आप सबको पता है कि जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अगर हम यूज़ करेंगे तो वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपकी प्राइमरी मेमोरी नहीं है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी तो आज जो आपकी इनबिल्ट होती है वो होती है बट अगर हम एक्सटर्नल डिवाइस यूज कर रहे हैं तो वो आपकी सेकेंडरी मेमरी में काउंट होगी ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है दूसरी में उसने कहा है पेन ड्राइव जो है उनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से ये भी एक बिल्कुल उलट चीज़ है पेन ड्राइव्स फास्टर होती हैं स्मॉलर होती हैं ज्यादा ड्यूरेबल रहती हैं और फ्लॉपीडी सीडीज के मुकाबले इनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स बट जो होती हैं वो इन पेन ड्राइव से ज्यादा बेटर रहती हैं सो वी कैन एक्सटर्नल हार्ड सेकेंडरी मेमोरी पेन ठीक है so सो so, जो पेन ड्राइव है ये असल में एक फ्लैश ड्राइव की टाइप हम इसको बोल सकते हैं बट जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होती हैं उनकी फ्लैश ड्राइव से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है ठीक है जी सो दैट इज़ अ थिंग पहला भी आपका गलत है और दूसरा भी आपका गलत है फाइन चलो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई से आया है एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइज़ पॉल्यूशन कैन कोज अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के संपर्क में में आने से क्या हो सकता है? सुनवाई हानि, सुनने में दिक्कत, insomnia, अनिद्रा, रक्तचाप में वृद्धि रेस्पिरेटरी डिसीज रोग, रिड्यूस्ड वर्क एफिशंसी कम कार्य कुशलता जी फटाफट से सही जवाब डी hmm. अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं सारे अच्छा पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ के अनुसार नॉइज़ पोल्यूशन कॉजेज हार्म टू ह्यूमन हेल्थ नॉइज़ पोल्यूशन ह्यूमन हेल्थ में क्या क्या नुकसान लेके आता है नॉइज uh, पोल्यूशन के कारण हियरिंग प्रॉब्लम्स आती हैं स्ट्रेस सोने में परेशानी कॉग्नेटिव फंक्शन ठीक है कॉर्ग्नेटिव दैट इज़ रिलेटेड टू योर ब्रेन है ना uh, उसमें ट्रबल कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिसीज जैसी प्रॉब्लम्स भी इससे हो सकती हैं क्योंकि वो बिजली तेज हम बोलते हैं ना कि तेज आवाज है तो उससे जो कमज़ोर दिल वाले बंदे हैं वो इतनी तेज धमाकेदार आवाज़ में ना जाए इमोशन चेंज भी हो सकता है रिप्रोडक्शन आ सकती है ट्रबल कम्युनिकेशन में ट्रबल ब्लड प्रेशर में हाई या वर्क एफिशिएंसी कार्य कुशलता में जब हमको पढ़ना होता है तो हमको कहीं से आवाजें आ रही होती हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि हमको शांति के माहौल में पढ़ना है ना क्योंकि अगर हम नॉइस वाले माहौल में पढ़ेंगे तो उससे हमारा पढ़ने में पूरी तरह से दिल नहीं लग पाएगा मन नहीं पाएगा सो वर्क एफिशिएंसी कम होती है So, यहां से आपको पता लगता है कि इसका ये आंसर सही है रेस्पिरेटरी जो है ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हो सकती है ठीक है एयर पोल्यूशन से बट इसका uh, no से कोई लेना देना नहीं है है ना? नॉइज पॉल्यूशन से कोई भी लेना देना नहीं है इसका यस सो करेक्ट आंसर अच्छा अब यहाँ पर तो हमने ह्यूमन हेल्थ पढ़ा था ना अभी एक और चीज अभी देख लीजिए एनिमल हेल्थ uh, को क्या नुकसान हो सकता है अभी हमने पढ़ा ह्यूमन हेल्थ को क्या नुकसान हो सकता है अब एनिमल हेल्थ का भी थोड़ा सा देख लीजिए फीडिंग पैटर्न्स में रिडक्शन हियरिंग प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन हिंडर रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम प्रोडक्शन में रिडक्शन बिहेवियल चेंज अडेप्टशन स्लो रिएक्शन टाइम डिस्टर्ब इकोप्शन इन सी एनिमल्स So, uh, ये मैंने आपको जस्ट दिखाया है कि नॉइस पोल्यूशन जो है वो एनिमल्स का क्या क्या नुकसान कर सकता है ये हमने पढ़ा था ह्यूमन पर उसके क्या नेगेटिव असर पड़ सकते हैं ये फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि एनिमल हेल्थ पे उसका क्या नुकसान हो सकता है ठीक है <coughs> चलो सो so आगे देखिए फोटो सिस्टम अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट यूनिट फ़ोटोवॉल्टिक सिस्टम जो पीवी सिस्टम होता है शायद आपने कहीं पर ये देखा हो लगा हुआ मैं आपको अभी आपको इसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगी इस क्वेश्चन के बाद सो so, वो इनमें से कौन सी चीज़ को स्मालेस्ट लार्जेस्ट रेंज करेगा सो so, ये बताइए फटाफट से थैंक यू टू ऑल यस, फोटोवॉल्टिक सिस्टम ओके okay, मुस्कान सिंह जी आई विल ट्राई फॉर द सेम फ्रॉम टमारो आंसर शुड बी सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाई में व्यवस्थित करना है आपको बाकी भी बताइए आंसर सी बी करेक्ट आंसर इज फोर्थ देखिए जो जो फोटोवोल्टिक सिस्टम होता है पहले थोड़ा सा इसको देख लीजिए इस तरह से ये आपको ब्रॉक्स से नजर नहीं आ रहे ये आपको डब्बे से नजर आ रहे हैं फोटोवॉल्टिक सिस्टम अच्छा सो इट इज ऑफ वन और मोर सोलर पैनल्स पैनल्स पे ये सारे सोलर ही तो लगे हुए हैं ठीक है थीके? एक या एक से ज्यादा इसमें सोलर पैनल्स लगते हैं और साथ में एक इन्वर्टर लगता है और अदर इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर भी लगते हैं जिससे क्या होता है कि जो सूरज की एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद करती है इन सोलर पैनल्स के थ्रू ठीक है जी ये होता है आपका फोटोवॉल्टिक सिस्टम अब इसका फोर्थ आंसर सही है सबसे पहले उसने क्या है से लार्जेस्ट सोलर सेल जो है ये सबसे छोटा यूनिट होता है सेल एक बहुत ही छोटी इकाई होती है सबसे छोटा यूनिट फिर उसके बाद आता है मॉड्यूल फिर उसके बाद एरे आता है एंड उसके बाद आता है एरे फील्ड डी ठीक है सो इस तरह से मैंने आपको दिखा भी दिया है इसका सिस्टम इस तरह से होता है बाकी ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा इसका क्रोनोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च और साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृष्टि उच्च शिक्षा या अनुसंधान या वैज्ञानिक और संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण से संबंधित है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि उच्च शिक्षा आ, और निर्धारण तकनीकी हाँ यहाँ से आना था ना ये यह चीज यहाँ आनी थी बस यही है समन्वय और निर्धारण तकनीकी संस्थान से संबंधित है ऐसे आना था ये जी हाँ बताइए सिक्सटी फोर चलो पढ़ते हैं ये सारा मैंने इसके सारे नोट्स आपके लिए अरेंज किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ पे जो सही जवाब है वैसे आपका सिक्सटी सिक्स है, है एंट्री नंबर सिक्सटी सिक्स जो है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस Uh, जो हायर एजुकेशन के या रिसर्च के इंस्टीट्यूशन हैं या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं उसमें स्टैंडर्ड्स को डिटरमिन करना और उन इंस्टीट्यूशन में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम ये एंट्री नंबर सिक्स में इसकी बात हुई ठीक है बाकी की जो एंट्रीज हैं जैसे सिक्सटी फाइव वाली एंट्रीज इसमें क्या था यूनियन एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन इसमें जो सिक्सटी फाइव वाली एंट्री थी इसमें बात हुई है प्रोफेशनल वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स की सो so आपको जस्ट की पढ़ने हैं 5 में ट्रेनिंग की बात हुई है किसकी बात हुई है ट्रेनिंग की बात हुई है या यू कैन से स्पेशल स्टडीज या रिसर्च की प्रमोशन की बात हुई है ठीक है टेक्निकल uh, असिस्टेंस की बात हुई है ठीक है जो 64 वाली एंट्री है इसमें इंस्टीट्यूशन फ़ॉर साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन फाइनेंस बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्सटी फोर में बात की गई है कि जो साइंटिफ़िक या टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फैनेंस फाइनेंस जो है वो किए जाएंगे दैट इज़ होली या तो पूरी तरह से या तो पार्टली ठीक है so, सो सिक्सटी थ्री वाले में इंस्टीट्यूशन नोन एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एट द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अलीगढ़ हिंदू यूनिवर्सिटी सो इसमें एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ की जैसे बात की गई है आ, बना जैसे ये कुछ आप सबको ये वाले विश्वविद्यालयों के बारे में पता है सो so, यदि यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश पर्सन ऑफ आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन नी एनी अदर इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर बाई पार्लियामेंट बाई लो टू बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस तो कीवर्ड आपको टारगेट करने हैं सिक्सटी थ्री वाली एंट्री में इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज की इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है सिक्सटी फोर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंसिंग की बात की गई है सिक्सटी फाइव में ट्रेनिंग की बात की गई है और सिक्सटी सिक्स में जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिटरमिन करने की बात की गई है ठीक है ठीक जी फाइन सो यू कैन टारगेट द कीवर्ड्स अकॉर्डिंगली आगे देखिए इन विच काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आपको ए आई सी टी ई इट इज़ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन कौन से साल में ये एक स्टैटूटरी बॉडी बनी थी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा आप सबको पता है कि एक पर्टिकुलर संस्था के एस्टैब्लिश होने के बाद ही वो स्टैटूटरी बॉडी बनती है उसने आपको ये नहीं पूछा कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड कब हुई थी उसने ये पूछा है कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी थी तो इसको ध्यान से आंसर दीजिएगा ठीक है बिकॉज यज नॉट आस्क्ड कि वो एस्टैब्लिश कब हुई थी यस yes, तो so फटाफट से बताइए सही जवाब क्या होगा 1987 बोल रहे हो आप बिल्कुल सही जवाब है जिसने भी दिया है सो so, ये जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1945 में ठीक है एंड लेटर एंड नाइनटीन में इसे स्टेटरी स्टेटस मिला था पार्लियामेंट की तरफ से ठीक है 1945 में इस्टेबलिश्ड हुई एंड 1987 में उसे स्टेटरी स्टेटस मिला था याद रखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन में क्वालिटी को प्रमोट करना नाम से ही पता लग रहा है इट इज टारगेटेड टुवर्ड्स द टेक्निकल एजुकेशन ठीक है आगे देखिए सो स्टेटमेंट्स वाले आ गए एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप इम्प्लाइज द कंपोनेंट्स ऑफ नॉलेज स्किल एंड एक्सपीरियंस किसी व्यक्ति या समूह की क्षमता का तात्पर्य ज्ञान कौशल और अनुभव के घटकों से है स्टेटमेंट 2 इज विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप इंप्लाइज मोटिवेशन किसी व्यक्ति या समूह की तात्पर्य और प्रेरणा विश्वास प्रतिबद्धता एंड प्रेरणा के घटकों से है सो so, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही होगी इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट सवा दस बजे आ जाइएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट फोर करेंगे आज ऑर्डिनल यूटिलिटी सो ए आंसर बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक है ठीक है सो so, पहला क्योंकि उसने कहा कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी का मतलब कि उसमें कितनी नॉलेज है उसमें कितनी कुशलता है और उसमें कितना अनुभव है ये चीज ठीक है बिल्कुल फिर उसने कहा विलिंगनेस का क्या मतलब है विलिंगनेस का मतलब है जैसे कि उसमें कॉन्फिडेंस क्या है अपने काम को लेके वो बंदा कितना कॉमिट है उसमें मोटिवेशन क्या है सो एज यू नाउ कि एबिलिटी एंड विलिंगनेस में फर्क होता है अगर आप Uh, अपने मास्टर्स किया है आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है देन यू आर एबल फॉर ए बेटर जॉब फॉर ए गुड जॉब बट विलिंगनेस कैसे आप में आएगी अगर आप इंटरव्यू में अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं अपने काम को पूरी लगन से करते हैं कमिटमेंट से करते हैं और आपने पूरा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मोटिवेशन है वो चीज़ आपको विलिंग करेगी बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन वो जिंदगी में कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते उनमें कोई वो चीज़ नहीं होती कि हमको कोई एग्जाम क्लियर करना है या कहीं जॉब करनी है है ना उस मोटिवेशन के कारण एबल होने के बावजूद भी विलिंग ना होने के कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते सो so, लाइफ में सक्सेसफुल के लिए सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ आपकी डिग्री ही जरूरी नहीं है कि आपने मास्टर्स कर रखी है, है ना आप में विलिंगनेस की का होना भी ज़रूरी है दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर अच्छा आगे देखिए एजर्शन इज द यूज़ ऑफ आई सी टी हैज ए ग्रेट पोटेंशियल फॉर ऑप्टीमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स आई सी टी के उपयोग में सीखने के परिणामों को अनुकूलित करने की एक बड़ी संभावना है आई सी टी प्रमोट स्कोप फॉर वेरिटी फ्लैक्सीबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस आई सी टी विविधता लचीलेपन और आकर्षण की गुंजाइश को बढ़ावा देता है सो so, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ए वाली स्टेटमेंट ए वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आई को हम लर्निंग आउटकम्स को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने अच्छे करने में आई बिल्कुल आई का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो आई है इसमें वेरा वेराइटी का स्कोप है फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप एंड एट्रैक्टिवनेस का स्कोप है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू डिजिटल माध्यम से आप स्टडी में आप एजुकेशन में फ्लैक्सिबिलिटी ला आ सकते हैं अट्रैक्टिव बना सकते हैं एजुकेशन को एंड वैरायटी काफ़ी सारी उसमें लेके आ सकते हैं बाय द वे ऑफ आईसीटी बाय द वे ऑफ़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ठीक है जैसे कि uh, अगर मैं बात करूं कि आईसीटी में टीचिंग uh, का आईसीटी का टीचिंग में क्या रोल है ऑनलाइन लर्निंग लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन वेब बेज लर्निंग ये ये अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये भी तो टीचिंग में आईसीटी का ही यूज़ है है ना सो so, ये सब चीज़ों में uh, के कारण आपको एजुकेशन में ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है आप कभी भी रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है आपकी स्टडी की तरफ है ना और ये चीजें लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज़ करने में मदद करती हैं आगे देखिए रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन है एजर्शन इज रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेंस इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसर्च अनुसंधान की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के हित में अनुसंधान नैतिकता और उसका पालन आवश्यक है अकाउंटेबल फॉर नीति बनाने वाले निकायों को उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए जवाबदेह होना चाहिए क्या लगता है सही जवाब ए ओके सो द करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली उसने यहाँ पे ये क्या क्या कहा था उसने कहा कि जो रिसर्च के एथिक्स हैं जैसे कि आप सबको पता है फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेगरिज्म नहीं करना आपको अपने रिसर्च में तभी आप इन रिसर्च के एथिक्स का पालन करेंगे है ना सो so रिसर्च एथिक्स और उनकी ऑब्जर्वेंस जो है ये रिसर्च की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जरूरी है बिल्कुल जरूरी है क्यों क्योंकि जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ हैं उनको जवाबदेही होना पड़ता है देखिए एक बात समझिए आपने पीएचडी कर ली आपने रिसर्च की तो आपने जो रिसर्च की है उसके बिहाफ पर ही जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ हैं वो पॉलिसीज़ बनाती हैं अगर आप अपनी रिसर्च में थोड़ा सा भी हेर फेर करते हैं मन घड़नता डाटा ऐड कर देते हैं डाटा को तोड़ मरोड़ के है ना इधर से उधर से ऐसे ही रिसर्च भी नहीं किया ऐसे ही ऐड कर दिया तो इससे क्या होगा कि जो आगे पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैं उनको जवाबदेही होना पड़ेगा वो क्या करेंगे अगर आप ही उनको गलत रिसर्च करके देंगे तो पॉलिसीज कैसे बनेगी देश का भविष्य भविष्य ही खतरे में चला जाएगा है ना सो so, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ को क्योंकि जवाबदेह होना पड़ता है दैट्स वाई आपको अपने रिसर्च एथिक्स में जो है वो पूरी उसका पालन करना है ठीक है यस yes. सो so, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं जैसे रिसर्च एथिक्स के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ओननेस मतलब ईमानदारी से काम करना है ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए दैट मीन्स किसी भी तरह की बायसडनेस नहीं होनी चाहिए इंटेग्रिटी होनी चाहिए डैट uh, मीन्स एकदम सिंसियरिटी कंसिस्टेंसी ऑफ थाट एंड एक्शन अपने प्रोमिसज और एग्रीमेंट्स पर कीप खड़े उतरना ये चीज़ केयरफुलनेस एकदम केयरफुल होकर आपको स्टडी करनी है बिल्कुल भी एरर्स के चांसेस नहीं होने चाहिए ओपननेस होनी चाहिए जो भी आपके रिजल्ट्स हैं जो भी आपके आइडियाज़ हैं वो आप दूसरों से भी शेयर कर सकें क्योंकि अगर आप उस शेयर करेंगे तो उस पता लगेगा दूसरों से दूसरे आपके क्रिटिसिज्म करेंगे आपके आइडियाज़ को कुछ फेवर्ड करेंगे है ना तो वो सबसे आपके आइडियाज़ जो है वो एक्सप्लोर होंगे कॉन्फिडेंशियली होनी कॉन्फिडेंशियलिटी uh, होनी चाहिए आपकी रिसर्च में कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपको बिल्कुल सीक्रेट रखना है रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए जो पेटेंट्स हैं जो कॉपी हैं इनकी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए मेंटेन एंड इम्प्रूव योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड एक्सपर्टाइज लीगल लीगलिटी होनी चाहिए जो रेलिवेंट लॉज हैं कानून हैं उनका पालन सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपने कोलीग्स अपने पेयर ग्रुप सबकी तो ये कुछ रिसर्च एथिक्स के प्रिंसिपल्स हैं ठीक है जी चलो सो so, आगे देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम रिसर्च एप्टीट्यूड ए रिसर्चर इंटेंस टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस इन मोटिवेशनल आउटलुक ऑफ ध्यान से पढ़िएगा उसने क्या कहा है एक रिसर्चर क्या कर रहा है वो देख रहा है कि मोटिवेशनल आउटलुक में क्या डिफरेंस है फर्स्ट डिग्री लेवल स्टूडेंट्स का इन टर्म्स ऑफ देयर बिलोंगिंगनेस टू रूरल अर्बन एरियाज एंड द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स विल बी द डिपेंडेंट इन दिस स्टडी एक शोधकर्ता ग्रामीण शहरी क्षेत्रों से संबंधित होने और माता पिता की शैक्षिक स्थिति के संदर्भ में प्रथम डिग्री स्तर के छात्रों के प्रेरक दृष्टिकोण में अंतर का पता लगाने का इरादा रखता है तो इस अध्ययन में आश्रित चर क्या होगा Yes. So, देखिए उसने क्या फाइन करना है समझिएगा बात को अगर मैं कुछ इस तरह से ये बना रही हूँ उसने कहा है डिफरेंसेस इन द मोटिवेशनल आउटलुक ऑफ फर्स्ट डिग्री लेवल स्टूडेंट्स, दैट मींस आपको देखना है कि उनके मोटिवेशनल आउटलुक में क्या डिफरेंस है ठीक है इन टर्म्स ऑफ देयर बिलोंगिंगनेस टू रूरल अर्बन एरियाज एंड द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स सो दैट मीन्स इन सब चीज़ों का इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है दैट मीन्स कि वो जो स्टूडेंट हैं वो रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं या अर्बन एरियाज से बिलोंग करते हैं या उसका एजुकेशनल स्टेटस पेरेंट्स का क्या है इन दो चीज़ों का उसकी मोटिवेशनल आउटलुक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ठीक है सो दिस इज़ द मोटिवेशनल आउटलुक डिपेंडेंट वेरिएबल सो ये चीज़ जो है मोटिवेशनल आउटलुक डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है बिलोंगिंगनेस टू रूरल अर्बन एरियाज पे एंड एजुकेशनल स्टेटस पे बात समझ में आई ना डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जो दूसरी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। so, <coughs> variable, करता है सो इसमें क्या आएगा मोटिवेशनल आउटलुक विल बी द करेक्ट आंसर डिपेंडेंट वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है हां सो मोटिवेशनल आउटलुक यही चीज जो मैंने आपको समझाई मोटिवेशनल आउटलुक डिपेंड्स ऑन द बिलोंगिंगनेस टू रूरल अर्बन एरियाज एंड द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर ठीक है क्योंकि मोटिवेशनल आउटलुक इस पर डिपेंड करते हैं जैसे मान लीजिए कि मैंने दोबारा से अगर इस तरह से uh, कुछ मॉडल बनाती हूँ तो यू कैन सी कि इट इज मोटिवेशनल आउटलुक एंड दिस इज रूरल अर्बन एरियाज से बिलोंगिंगनेस एंड दिस इज एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स ठीक है सो मोटिवेशनल आउटलुक डिपेंड करती है कि वो बंदा रूरल एरिया से या अर्बन एरिया से बिलोंग करता है एंड उसके पेरेंट्स का एजुकेशनल स्टेटस क्या है इसी तरह से बनेगा ना बात समझियो फाइन ठीक है yes. यस so, सो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द कुरेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस आफ्टर डिकोडिंग कहता है डिकोडिंग के बाद संचार प्रक्रिया के उत्तरार्ध में निम्नलिखित तत्वों के सही क्रम की पहचान करें एनवायरमेंट फीडबैक कंटेक्सट एंड इंटरफेयरेंस पर्यावरण प्रतिक्रिया संदर्भ या हस्तक्षेप यस तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ कैसे है देखिए समझिए बी ए सी डी दैट इज़ बी ए सी डी सो रिकॉर्डिंग के बाद जब आपने दूसरे का मैसेज जो है वो ग्रहण कर लिया रिसीव कर लिया तो उसके बाद आप उसको क्या देंगे उसको उसके बाद फीडबैक नहीं देंगे फीडबैक ही देंगे ना जो आपने सुना है आपको समझ आया नहीं आया उसकी फ़ीडबैक देंगे फीडबैक के बाद आएगा एनवायरमेंट एनवायरमेंट किस कंटेक्सट एंड फिर आएगा इंटरफेरेंस देखिए समझिए उसने डिकोडिंग के बाद का प्रोसेस आपको पूछा है ये देखिए डिकोडिंग डिकोडिंग के बाद का प्रोसेस में आएगी फीडबैक दिस इज अ फीडबैक ना हां दिस इज अ फीडबैक और ये हम सबको ना ये वाली सीक्वेंस पता है ये वाली सीक्वेंस हम सबको पता है एनकोडिंग होता है फिर मैसेज होता है फिर डिकोडिंग होता है और रिकॉर्डिंग के बाद फीडबैक आती है बट फीडबैक के बाद वाले स्टेप्स हमको नहीं पता तो वो भी देख लीजिए ये तो आपको पता ही है कि सबसे पहले इसमें फीडबैक आनी थी आप इसको एंड इसको तो एलिमिनेट साफ साफ कर सकते हैं और इंटरफेरेंस जो है वो सबसे एंड में आएगी डी सबसे एंड में इंटरफेरेंस आएगी अगर आपको इतना भी पता था तो आप फोर्थ आंसर इसका सही दे सकते थे ठीक है सो द फर्स्ट शुड बी द फीडबैक एनवायरमेंट देन क्या माहौल चाल है क्या पर्यावरण है सी कंटेक्स्ट किस संदर्भ में आप बातचीत कर रहे हैं ठीक है so, इसी के साथ मैं आज का खत्म कर रही हूँ क्योंकि की आपकी अभी दस पर भी बजे पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की आप सबको बता दू ये बैच कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स का सात बजे शाम को इसकी क्लास होती है इसमें आप एनरोल कर सकते हैं पूरा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर करने के लिए मेरे साथ ठीक है सो so, कोड है मेरा सिमर टेन इस कोड को लगा के मैक्सिमम ऑफ आपको जो है मिल जाएगा एंड यू जी सी नेट जी आर एफ हमारे साथ अपना क्रैक कर सकते हैं सो so, आज है टीचर्स डे पांच सितंबर आपके लिए सिक्स पी एम एक लाइव स्ट्रीम जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो जो भी आज सब्सक्राइब सरप्राइज है आप सबके लिए वो आप देख सकते हैं वन स्टेप अहेड सो आज शाम छह बजे ऑनवर्ड्स इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे डेली क्लासेस के लिंक्स जो है वो अपलोड होते हैं एंड द अदर थिंग ये देख लीजिए फी स्ट्रक्चर जो है सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको आ, सारा बेनिफिट मिलता है पेपर वन का भी और पेपर टू का भी बेनिफिट इसमें ही मिलता है आपको ठीक है जी सो वी विल डू दिस थिंग्स टूमारो फाइन ओके सो थैंक यू वेरी मच अगर सेशन हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ रोज़ देखा करें इस टाइम लाइक शेयर भी कर दिया करें थैंक यू टेक केयर बाय